तो वीडियो जी इन्ह मझा की तुम इस वीडियो नू देखोगे पर शुरुआत तो पहले ही थोनों एक चीज़ दिखा दें भी वीर ने इतने रहायश वास्ते पूरा वधिया प्रबंध बनाया व्या दुध जिन्ना दस्या तुसी चो के देख सकते हो रहायश का फुल प्रबंध है रूम तुसी देख सकते हो प्रोपर थोनों फैमिली वाली फीलिंग आऊगी फैमिली वांगू तुसी इत्थे रह सकते हो दो टाइम तीन टाइम तुसी दुध तोल के चो के लै सकते हो जिन्ना इस वीडियो च दुध बारे वीर दसूगा तो ये चीज़ तो पहला दिखाती भी जेडे वीर कमेंट करे जिन्हों लगेगा भी इन्ना दुध हो नहीं सकता तो उन्होंने बेनती है भी रहायश का फुल प्रबंध है तुम किसी भी मझ का दुध चो के देख सकते हो सिर्फ दो गब्बण मझा तो सत्त थोनों सूईया सवाइया मझा दिखाया आओ वीडियो अगे शुरू कर दें स्वागत है किसान वीरों तुहाडा सिदक डेयरी फार्मिंग दे विच किसान वीरों अज जिहड़े घर चो वीडियो दिखाउणी है मैं जदों गावां दीआं वीडियो दिखाउणा अठ अठ दस दस नाग दिखाउणा बहुत घर इदां दे जिन्हां कोल चोटी दीआं गावां आउंदीआं पर मझां वाले मामले च जे आपां गल करिए तां इस गल दी अणहोंदी सीगी इदों पहलां वी थोनों इक्को घर चो नौ दस नाग चंगे नहीं दिखा सकिआ क्योंकि मझ खरीदी भी महंगी जांदी है चंगा पशु की कीमत ज़्यादा है जे चंगी मझ दी गल करिए तो हरेक वीर उन्नी पेमेंट ला के आपके घर उन्ने पशु रोकता नहीं गा अज की वीडियो दे विच टॉप दीआं मझां दिखाऊंगा अज जिथे पहुंचिआ दसो पिंड शाहपुर फलौर तहसील है तो जलंधर इन्हां नूं जिला पैंदा फलौर दे बिल्कुल नेड़े ही पिंड है सो अज तुहानूं मझां दिखाउणीआं ते चोटी दीआं नौ मझां दिखाऊंगा इन्हां दे विच्चों एक बूरी मझ इहो जी आ दोस्तो जिहदे थले दुध भी जिहड़ा आम वीर सोचदे आ वी इन्ने दुध वाली मझ मिल जाए तां असीं खरीद लांगे पैसे जिन्ने मर्जी होण एक तो रंग बूरा तो दूजी गल दुध दे विच टॉप दी अज दे टाइम च तुहानूं मझ दिखाऊंगा वह लास्ट ते आऊगी उदों पहलां आपां इधरों वीडियो की शुरुआत करांगे तो शुरुआत दे विच तुहानूं दिखाऊंगा दोस्तो बहुत चंगी मझ लास्ट च वैड भी तुहानूं दिखा देंगे ये भी वीर ने वेचनी है पर मझ की शुरुआत आपां वीडियो की इस मझ तो करनी है ये गां जिहड़ी आ लास्ट ते तुहानूं दिखाऊंगा सूण वाली है गब्बण गां छोटी उम्र दे विच सो आओ वीर नाल गलबात करिए तो इस मझ तो आपां वीडियो की करते हैं शुरुआत खरीदनी चाहे तो ऑर्डर देने लिया दें ठीक है वैसे मझी हो मझ सूए पहला दूजा सूआ पहला दूजा सूआ ठीक है झोटी खरीद दो अज अपने को नौ नाग है मेरे ख्याल सारिया जी पहले ज दूजे सूए च ही है ना जी, पहले दूजे सूए ठीक है ठीक है सो दोस्तो पहले ज दूजे सूए दी मझा थोनू दिखाई इधरों तुम कैमरे से देखो झोटी दया मझा हूँ भी थोड़ा दिस दया हो जी पहले नंबर से मझ खड़ी है की डिटेल है कैनवा सूआ दूए सूए सुनी किन्ने दिन ले जूगी भाई दो तीन दिन ले जूगी तैयारी दो तीन दिन ले जूगी दुध उम्मीद है तो कि 18 किलो की उम्मीद है 18 किलो की उम्मीद हाँ जी ठीक है खोलो वीर दोस्तो चंगे कद की है इहदा जिहड़ी खास गल जिहड़ी मैनू लगी एक तो इहदी जिहड़ी चमड़ी है बिल्कुल बरीक दिसदी है तो दूजा इहदा जिहड़ा थन ते हवाना वह तो दोस्तो बा कमाल है तुसीं भी पसंद करोगे क्योंकि एच एफ गावां वांगू हवाना पूरा ठोस हवाना कोई टुटवा नहीं तुसीं मोढ देखोगे हवाने का फुल चढ़ाई दे विच है थन दा सैज जिहड़ा वह हरेक वीर पसंद करेगा जिहड़ा मझ रखदा जां नहीं रखदा उहनूं वी इहदे थन तों आइडिया होगा भी दुध दे मझ किन्ना क दे सकदी है स्ट्रक्चर तुहाडे सामने आ दसो कद भी ठीक है वेल भी चंगी है थन दे विच बिथी जिहड़ी है वह बहुत सोहणी है पिछले थणां दी आपस विच बिथी थोड़ी बहुत जिहड़ी उहदे नालों घट है जिहड़ी अगले ते पिछले थन च बिथी उह बहुत ज़्यादा है हालांकि थन बिथी तो यही गल भी थन नाल होगा पर बिथी जे आप वैसे देखते हैं तो अगले तो पिछले थन च बिथी थोड़ी ज्यादा इतों तुम यदा हवाना देखोगे बहुत सोहनी चीज़ दसो पहले नंबर पर बहुत सोहनी मझ है थणा दे विच स्पेस थन का सैज बहुत सोहना सेंग थोड़ा जा दसो देखोगे हेठां नूं जाके कुंडा होया पर बहुता वड्डा नहीं सेंग सेंग छोटा ही है जट का फुल है तो हवाना यदा तुम वीडियो वार बार देख रहे हो तो जो मैं ये बारे ज़्यादा बोला वह नहीं जचता तुम आप ही हवाने की जजमेंट कर लो भी यह दुध कि पा दूगी मझ सो दूजे नंबर पर जी झोटी है दसो इतों अगे एक मझ लास्ट से गब्बण आऊगी सारिया सूईया सवाइया तो दुध तैयार वाली झोटियां थोनों दिखाने
ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਬਾਈ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਦੂਆ ਸੂਆ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਦੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ, ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਆ, 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਸੂਈ ਨੂੰ 15-16 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਦੂਜਾ ਸੂਆ 6 ਦੰਦ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਪਿਓਰ ਮੁਰਾ ਨਸਲ, ਖਾਣ ਲੇਵਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਦੱਸੋ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੰਡੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਬੱਚਾ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਦੀ ਝੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਚੋਲਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਥਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਨੇ ਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਥੀ ਪਿਛਲੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲਗਭਗ 9-10 ਇੰਚ ਵਾਂਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੌਰਸ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੂਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਠਪੁੜੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਵਾਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਝੋਟੀ ਥੱਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਝੋਟੀ ਹੈ, 4 ਦੰਦ ਕੱਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝੋਟੀ ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 15-16 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, 14 ਕਿਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 4 ਦੰਦ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ, 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੰਡਾ, ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਥਣ, ਹਵਾਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਵਾਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਹਵਾਨਾ ਥਣ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਵਜ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਹੈ, 4 ਦੰਦ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੋਸਤੋ ਹਜੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਬੰਨਣਾ, ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਥਣ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ, 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? 2-2 ਆ ਜੀ ਚਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ, 2:30 ਵਜੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ, ਇਹ ਦੂਏ ਸੂਏ ਝੋਟੀ ਆ, 6 ਦੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਸੂਈ ਨੂੰ 6-7 ਦਿਨ, 16 ਕਿਲੋ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਹਜੇ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬਾਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੰਡੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਵਾਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਚਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਹਵਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਧ 2 ਟਾਈਮ ਚੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਝੋਟੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਥਣ ਹਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ, ਵੇਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਝੋਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਆ 6 ਦੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਸੂਈ ਨੂੰ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 7-8 ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟੀ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ, 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਸਿੰਗ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਝੋਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਚਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਹਵਾਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆ, 6 ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਥਣ ਹਵਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਝੋਟੀ ਦੱਸੋ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ, ਹਵਾਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ 5 ਝੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, 4 ਦੰਦ ਕੱਟੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਸੂਈ ਨੂੰ ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਬਾਈ? 12 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 4 ਦੰਦ ਦੱਸੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਰਦੇ ਪਏ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਬੋਲਾ, ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਚੰਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਹਵਾਨਾ ਥਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ,
थणा का सैज है जोड़ा वह बहुत सोहना दोस्तों थण देखो उतों कन्निया के उत्ते सोहने थण है दुध आए थण लगे हुए पहलन झोटी है कमाला भाई अगर सिंह बिल्कुल कुंडे ये जिन्हें भी पशु थोनों दिखाऊंगा नौ नाग दिखाऊंगा किसी के भी थण च हवाने च सिंगा लोग कोई मतलब कमी नहीं दिसदी सारे साफ सुथरे है कद भी चंगे है झोटिया के सारिया तो दुबारा फिर कैमरा मार देना थोनू पसंद आनगा चुन चुन के बाई दियाँ खरीदिया भी दसों तो दिसदियाँ है चुनिया भी झोटिया तुम ए भी हवाना देख सकते हो दुध 12 किलो बौला है यदि पूछ पड़ी बई बस ठीक है हवाना बहुत सोहना दिखाई है दोस्तों झोटी इदू अगे मेरे ख्याल च हैगी सत्त नंबर से झोटी है ना यदा दोस्तों पहले ही थान देख लो एक बार तुम बहुत सोहने थान सेंग मूह मत्था भी बहुत सोहना ये बारे की डिटेल है बई भाई 18 किलो दुध तैयार है दिन किन्ने हो गए सूई सूई छे सत्तवा दिन ठीक है दूजा सूआ हाँ जी ठीक है दोस्तों बच्चा कट्टी दूजा सूआ तो 18 किलो दुध बई दसदा हाजर है तैयार है ले चल भैया हवाना भी चंगा थन का सैज मैं शुरुआत के दिखाता सीगा थोनू देख के आइडिया हो जाए भी हवाना यदा किदा का दुध संबंधी जो भी इनफॉर्मेशन दोस्तों वीर आपू दस रहा तो तुम सुन रहे हो खरीदने वाले वीर ने आके चो के उन्ना दुध जो देख लेना तो आपकी तसली तुम कर सकते हो हवाना अगे नूं भी चंगा अगाड़ी लगता है भी चंगी होगी बाकी जो तुम बाल्टी के चो के देखोगे उदो थोड़ा आइडिया होगा किन्ने की 3.5 किलो की अगाड़ी ठीक है दोस्तों 3.5 किलो अगाड़ी वीर दसदा इतों का हवाना देखो तुम चंगी तरह इदा का यदा हवाना सो दूजा सूआ यह सेंग ये भी बिल्कुल तुम देखोगे कुंडे है सो ये नाग थोड़ा दिखाते ला जो अगर दोस्तों पूरी दिखाने ये बारे भी इस डिटेल पुछते हैं पूरी की की डिटेल है भाई भाई पूरी थे 20 किलो दुध तैयार है 6 दाते है सूआ सूआ दूजा है दूजा किन्ने दिन की सूई है सूई सत्तवां दिन ठीक है दोस्तों 20 किलो दुध वीर दसदा भी तैयार आ बच्चा ये कट्टा वड्डे ढांचे की वड्डे ढांचे की मझ आ हवाना यदा तुम देखोगे बहुत सोहना दिखाई है तोरते भाई अगे तोरी है पूछ फड़ी रखूंगे तो हवाने की जजमेंट तुम कर लो दोस्तों कर दे थण ये भी सोहने हैं कद यदा बहुत ज़्यादा पिठ पुड़े की फुल खुली है बिल्कुल कुंडे सिंगा की है रंग बुरा दसो तो दूजा सूआ वेल यदि सारिया मझा चो ज़्यादा होगी तो कद भी सारिया तो व्डा दिसदा तुसी जे हवाना देखो तो वह भी बहुत चंगा तो थणा के उत्ते हवाने के उत्ते नाड़ा भी दिसन थण का सैज भी थोड़ा दिसूगा दोस्तों लास्ट उत्ते थोनू दिखाई है एक बहुत सोहनी झोटी ये बारे भाई की डिटेल है जी कहना सूआ दो दिन कट्टी है जी ठीक है सूआ यदा पहला ही है किन्ने क दिन ले जू भाई 10 दिन लग जू 10 to 12 दिन ठीक है दोस्तों 10 to 12 दिन लगेगी पहला सूआ है सेंग मूँह मत्था बहुत सोहना सेंगे दे बिल्कुल एवें हैं जिमें दसों घर के लाए होंगे हजे हफ्ता 10 दिन लेंदी है चंगे कद की है चंगे वजन वाली झोटी पहले सूए सोहनी है थान बहुत सोहने हैं हवाना भी दसो दिखाना हजे दिन लेंदी है दसो तो वो हिसाब से तैयार होनी है हजे रुकी भी रेत मैं दसो थान का सैज जरूर दिखाऊंगा हवाना देखते हैं तो अजे इस तरह का हजे हफ्ता 10 दिन इन्हें लेने हैं चंगा हवाना तैयार करूगी थान च बिथी बहुत सोहनी है अगला पिछला थान बहुत सोहना लगा बस चंगे कपती है ये भी तो पहले सूए सून वाली झोटी थोड़ू तोर के दिखा रहे हैं लास्ट उत्ते इदू बाद एक दोस्तों गां दिखाई है वो बारे भी वीर ना गल बात आप करा गां बारे तो ये थोनू मझा नौ नाग दिखाते हैं इनफॉर्मेशन सारी वीर ने दसी है वो तुम सुन ली आके आपकी तसली तुम कर सकते हो चोन वाले पशु को चो के देखो जिहड़ा भी पशु खरीदना है पैसे तुम लाने तो थोड़ा हक बनता आपकी फुल तसली ना खरीदया करो आओ आप लास्ट उत्ते दोस्तों इस वैड बारे जानकारी लेने
मनप्रीत भाई दो गावां जिहड़ियां इह व्यापार च आईआं होईआं जां कर दियां आपणे घर दियां जी गईआं कर दियां जी ठीक है इहनां चों वेचांगे आपां किहड़ी वेचण दा रहा तेल गां दी सलाह है जी जिहड़ी डब्बी गां हां जी ठीक है ते इह वैट दी डिटेल पहलां दस्सी भाई कहिणा मैं सुआ सुणा वैड़ी ने 18 महीने दी है जी अच्छा 8 महीने दी गब्बण है जी 8 महीने दी गब्बण ते 18 महीने दी उमर है हां जी फिर तां खीरी होऊगी दंदों हां जी हां जी खीरी है जी ठीक है खोली भाई नूं तोड़ के दिखा दिओ दोस्तों दंदों खीरी है 8 महीने की गब्बण 1 महीना रहिंदा दुध बहुत लाई खड़ी है ते नाल ये भी है भी दंदों खीरी है तुहानू दंद जरूर दिखा देने दोस्तों खीरी बिल्कुल दिसूगी तुहानू ठीक है वीर ओके तो दंदों खीरी वैड दिखा रहे हैं तोड़ के ये वीर कोल दोस्तों घरे रखी भी वैड है ये नहीं विकाऊ करनी तो इहदा हवाना तुसीं देख सकते हो अजे बहुत वड्डा हवाना इस टाइम तैयार है पर अजे सून च 1 महीना बाकी है कद काठ भी चंगा तो दंदों बिल्कुल खीरी खान का सहज बहुत सोहना स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो दोस्तों यदा लै चल सो बहुत सोहनी वैड दोस्तों तुम सिर्फ शौक वजों दिखा रहे हैं घर रखी भी है बाई को एक गां भीर दसदा ही बेच देंगे डब्बी गां वो थोड़ा वीडियो से दिखा दें हवाना इन्हें बहुत तकड़ा बना दोस्तों रखी ने क्योंकि हजे 1 महीना भीर दसदा भी पेंड है कोई पुड़ा नहीं हजे नवाया तो अगे एक गां बाई को जी वीर दसदा ही भी बेच सकते हैं वो बारे जानकारी लें गां की यदि की डिटेल है बई भाई जी 3 महीने गब्बण है जी ठीक है हाँ जी दुध हूँ किना खो दुध 30 लीटर है जी ठीक है अच्छा हूँ चोई न कि टाइम होया चोई 10 बजे चोई है 10 बजे चोई हाँ जी ठीक है तो यदा वेचन का रहा है मुल चंगा मिले बेच देव ठीक है अच्छा हूँ ये दस सूआ कहना सुना इन्हें अगे इन्हें दूआ सूआ सुना दूजा सूआ दोस्तों 3 महीनों की गब्बण ठीक है दूजे सूए वीर दसदा सूना दोस्तों तो दुध बई दसदा भी ये बहुत दिंदी है 3 महीनों की गब्बण चेक पास तुसी करवा सकते हो जिहड़ा वीर खरीदना चाहे हवाने ते नाड़ा चंगियां बाकी जिहड़ा हवाना वो तुसी इहदी शेप देख ही रहे हो वीडियो दे विच लै चल बई सोहणे रंग रूप की है कद काठ चंगा तो थण हवाना तुसी उहदी जजमेंट आप दोस्तों कर सकते हो सो वैड ये वीर कहिंदा भी वेच देंगे तोकड़ गब्बण ਬਰੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਘੱਟ ਗਾਵਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਏ ਵੱਜਦੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।